बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्राइज तो आपने बहुत सी किस्मों के खाए होंगे, लेकिन इन फ्राइज पकौड़ा को बनाने के बाद ना आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये मेरी रेसिपी है और मैंने इसे आपके लिए आज पहली दफ़ा बनाया है। ट्राई करना तो बनता ही है। तो उसके लिए यहाँ मैंने दो छिले हुए आलू ले लिए हैं। अभी हम इन आलूओं को काट लेते हैं। पहले ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, फिर ऐसे काट लेंगे। आप इसकी मोटाई देख लें कि इतनी मोटाई आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना और ना हम बहुत ज़्यादा पतला रखना है। ऐसे करने के बाद हम इसे यूं ऐसे काट लेंगे। जब मैं फ्राइज काट रही थी तभी मैंने साथ ही पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये देखिए थोड़ा थोड़ा उबलने लग गया है। अब मैं इसमें ये कटे हुए सारे आलू डाल दूँगी। फ्राइज को मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया है। अब हम इसे तकरीबन 50% तक बॉयल कर लेंगे। फ्राइज हमारे हाफ डन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको छन्नी में डाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्राइज को यहाँ मैंने किचन टॉवल पे डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएं, खुश्क हो जाएं। आज मैं आपके लिए कोई सादा सी फ्राइज नहीं बना रही, मसाले वाली बना रही हूँ। तो उसके लिए अब ये देखिए कि यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, 4-5 हरी मिर्ची ली है और जीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून। अब हम इसे चॉप कर लेते हैं। अब फ्राइज में यहाँ सबसे पहले मैं वो वाला मसाला डाल दूंगी जो हमने अभी तैयार किया है, हरी मिर्ची और अदरक के साथ मैंने इसमें चॉप किया है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे कूट लीजिएगा। अभी हम इसमें यहाँ कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छी ये बनके तैयार होगी। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, नमक, 1 टेबल स्पून तिल डालेंगे। इससे ना ये बहुत क्रंची बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। हाफ कटा हुआ लेमन डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 4 टेबल स्पून बेसन के डालेंगे, 2 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हम इसका बैटर बनाएंगे। बहुत कम पानी डालेंगे, पहले एकदम बहुत सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने इसको ऐसे देखिए मिक्स कर लिया है। ये आप इसकी लुक देखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और मसाला भी अच्छे तरीके से लग चुका है सारे फ्राइज। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, अब हम इसमें डालते हैं। एक एक करके डालिएगा, इकट्ठी नहीं डाल दीजिएगा। फ्राइज को ऑयल में डालने के साथ ही हिलाना नहीं शुरू कर देंगे, थोड़ी देर इसे पकने देंगे। अगर हम डालते ही हिलाएंगे तो उसकी कोटिंग वगैरह सब उतर जाएगी। अभी हम इसे हिला लेते हैं। कुछ सेकंड्स हो गए हैं कि मैंने इन्हें हिलाया नहीं था और आप इनकी लुक देखें, ये कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। कोटिंग देखें कैसे ऊपर लिपटी हुई है। फ्राइज पकौड़ा हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के फ्राइज पकौड़ा आज मैंने आपके लिए बनाया है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप इसकी ये लुक देखें कि सारा मसाला जो है वो ऊपर ही चिपका हुआ है, बिल्कुल नहीं निकला और इसने ऑयल भी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया। ये देखिए बाहर से मसाले वाले हैं, ये अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाओ, बहुत मज़े की और बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं। ऐसी ही इजी और सिंपल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।